पाँच दिन पूर्व राव क्षेत्र में कुएं में मिले शव के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते खुरपी से गोद कर की गई थी हत्या। हत्या कर शव को फेंका था कुएं में। गिरफ्तार आरोपी की पत्नी के थे मृतक से संबंध। मृतक उक्त महिला की वीडियो बनाकर वायरल करने की देता था धमकी। साजिशन महिला ने पति व जेठ के साथ घर बुलाकर उतारा मौत के घाट। अराव क्षेत्र के कुंजपुर हवेली गांव में 5 नवंबर को घर में बुलाकर उतारा था मौत के घाट। 3 दिन बाद 8 नवंबर को मिला था कुएं में शव। पुलिस ने हत्यारोपी दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने पूरे मामले का किया खुलासा। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। एक डेड बॉडी मिली थी दिनांक 8 इसी मंथ को, और उसमें हम लोगों ने कुएं से डेड बॉडी निकाली थी। उसके बाद उनकी पहचान रामविलास के रूप में हुई थी, जो उसी गांव के निवासी थे। हम लोगों ने इस घटना के अनावरण के लिए हमारे सीओ सिरसागंज के नेतृत्व में सारी टीमें लगी और हम लोगों ने इसका पर्दाफाश किया है। इनफैक्ट ये जो मर्डर है, ये मर्डर अवैध संबंधों के चलते हुआ है। जो मृतक रामविलास था, उसका जो अभी अभियुक्त है इसमें दर्शन सिंह, उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, और वो अवैध संबंधों को लेकर के जो ये अभियुक्त है दर्शन सिंह, उसके परिवार को ख़त्म भी करना चाहता था। तो मृतक को इसीलिए इन लोगों ने एलिमिनेट करना चाहा, और उसमें दर्शन सिंह अपने भाई कैम सिंह का हेल्प लिया। कैम सिंह, दर्शन सिंह और उसकी पत्नी तीनों ने मिलकर, यानी जिस दिन डेड बॉडी मिली थी 8 तारीख को, उससे 3 दिन पहले 5 तारीख को ही उसकी अपने घर में बुलाकर रात में 8 बजे के आसपास हत्या कर दी थी, और उसके बाद डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया था। इसके बारे में हम लोग को 3 दिन के बाद जानकारी मिली थी और हम लोगों ने इसमें वर्कआउट किया। इसमें दोनों जो मुख्य अभियुक्त हैं, दर्शन सिंह और कैम सिंह, दोनों भाई हैं, दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह कतल बरामद हो चुका है। और इसमें जो वाइफ है, जो थर्ड इनके साथ जो हेल्प में थी, वो अभी अरेस्ट नहीं हुई, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे, और बाकी जो एविडेंसेज है उसके हिसाब से इसका डिसीजन किया जाएगा।